अरे स्टार्ट कर दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गोलू ने वीडियो स्टार्ट कर दिया। मैं वाह मम्मा कितनी गंदी दिख रहे हो। बेटा मुझे नहीं रोस्ट करना है, सनम इमरान को रोस्ट करना है। मुझे रोस्ट करोगे तो आप मेरा दुकान भी बंद हो जाएगा, आपका दुकान भी कैसे चलेगा। सनम इमरान को रोस्ट करके उनके नाम की जो है ठीक आपको लेना है। तो फ्रेंड्स बच्चा है, बच्चे की बातों का बुरा मत मानना। सेल्फ रिस्पेक्ट में वो थोड़ा कुछ भी आजकल बोले जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट में उसको कितना और कहाँ और क्या बोलना है। और बेटा जाओ तुम जाके रोस्टिंग वीडियो जो है वो शूट कर लो। वीडियो शूट करने से पहले टाइटर पहन लो, क्योंकि तुम ना वीडियो शूट करते करते हक देते हो, तो तुम ना हगो क्योंकि अभी तो काम वाली तुम्हें दो रख सकती हो। लेकिन कोई भी काम वाली मेरे घर में टिकती नहीं, तुमको तो पता है तुम्हारे डैडी के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना डायपर जो है, मैंने वो डायपर लिया है, ये पहन के तुम रोस्टिंग वीडियो शूट करना, ताकि तुम जब हगोगे ना तो इसमें जो है ना आ जाए और मुझे साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है ना कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है, कब क्या बोलना है उसको समझ नहीं आता। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से, अल्लाह के घर तक मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरी बेटी ने जो है ऐसा बोला। अभी वो रोस्टिंग वीडियो शूट करने जा रहा है। मैंने आप लोगों को, मैं ज़बान की बहुत पक्की हूँ क्योंकि मैं हूँ साहिर अठन्नी, अठन्नी के भाव में भी बिकती हूँ मलार मालवानी में। तो मैंने तो आप लोगों को वादा किया था कि मुहर्रम के 10 दिन मेरा बेटे का जो है वीडियो नहीं आएगा, लेकिन अभी क्या है ना, मेरा जो घर का चूल्हा चौका है वो बंद होने को आ रहा है। और मैं मेकअप जो है ना, मैंने बहुत कम मेकअप किया है, मेरे पार्लर वाले ने मुझे बहुत कम मेकअप करा है, बस 2-3 किलो फाउंडेशन और 1/2 किलो जो है ना काजल और लाइट शेड का एक लिपस्टिक लगाया है, बस मैंने इतना ही किया है। ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया क्योंकि क्या है ना, मैं पैदाइशी बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ, तो मेकअप करूँगी तो और ज़्यादा बदसूरत लगूँगी, इसलिए मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है। और मेकअप करके आजकल मैं घर पे रहती हूँ क्योंकि मेरे घर पर ही जो है मैंने कोठा खोला है, तो इसीलिए मुझे तो मेकअप करके ही घर में रहना पड़ेगा। और मैं दिखूँगी नहीं तो बिकूँगी कैसे, है कि नहीं है। तो मुझे तो दिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पूरा मुंबई पानी में डूब जाए, बट मैं मेकअप करके ही रहती हूँ क्योंकि मैं दिखूँगी तभी तो दिखूँगी। और आजकल तो मैंने घर पर ही सर्विस देना शुरू कर दिया है। तो जिन जिन आस पड़ोस को बुढ़ों को, क्योंकि मैं आजकल बुढ़े जो है ना मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे पास खुद भी एक बुढ़ा ही है, तो जिन जिन बुढ़ों को आस पड़ोस को बुढ़ों को मेरे पास आना है वो आ सकते हैं मेरे पास। और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, गाली गलौज में बिल्कुल भी नहीं करती। गाली गलौज करना मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सती सावित्री बन गई हूँ आजकल। और मैं जो है ना आजकल सनम इमरान के नाम से भी जो है भीख जो है वो भी ले रही हूँ, रिहाना के नाम से भी भीख ले रही, क्योंकि मैं आजकल दिखती भी वैसी नहीं हूँ और बिकती भी नहीं हूँ। तो मेरा घर का चूल्हा चौका जो है ना जलाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर मैंने अपने बेटे का भी दुकान जो है वो खोल के दिया है। प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, दुआएं दीजिए। आप जितने भी माँ है मेरे गोलू को अपना बेटा समझ के, आप लोगों के अगर कोई कस्टमर हो तो उनके पास भी आप कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट नंबर गोलू का आप लोग मेरे गोलू का दे सकते हो, वो आप लोगों को अच्छे अच्छे कस्टमर ला के ढूंढ के देगा जैसे मुझे दिया करता था। या फिर गोलू का सर्विस भी चाहिए तो मैं आप गोलू को आप लोग के पास भेज दूंगा। अभी तो मुझे कुछ दिन बाद जो है अजमेर शरीफ जाना, ये जो है मेरे गरीब नवाज ने दिया है मुझे, ये भी मेरे गरीब नवाज ने दिया है, ये भी गरीब नवाज ने दिया है, ये भी गरीब नवाज ने दिया। और मेरे गरीब नवाज ने बोला है कि मुझे ऐसे मेकअप करके रहने के लिए, क्योंकि मैं दिखूँगी तभी दिखूँगी। और ये चुन्नी भी मुझे गरीब नवाज ने दिया है, और गरीब नवाज जो है अभी मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है उनके दर पे, बाबा के दर पे जाना है। गरीब नवाज ने मुझे सब कुछ से नवाजा है, बस नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझे नहीं मिला है। तो आप लोगों को अगर किसी को भी मेरे गोलू के जो है ना सर्विस चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो। और आप जैसे मेरे जैसे सिंगल मदर जो है, जो सिंगल मदर है वो बहुत दुख भरा है, जिनके ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, मैं वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ हो, मैं सब औरतों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ क्योंकि मुझे पार मिला है। कुछ लोगों ने मेरे आस पड़ोस के जो है ना बिरयानी खाया था और उनके पेट में बहुत गैस हो गया था, तो मुझे पार दिया है, मुझे पार मिला है औरतों के हक के लिए बोलने के लिए। मैं सिंगल मदर हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले पैदा किया है, सॉरी अकेले तो पैदा नहीं किया है, अकेले पाला है। तो जिन जिन सिंगल मदर को मेरे गोलू के लिए बहुत रिलेट होते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे गोलू को जो है ना दुआएं दीजिए, ताकि वो जैसे सोशल मीडिया में हग रहा है आके और अपनी माँ का जो बच्चा कुछ नाम है उसको भी बर्बाद कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है, वो ऐसे ही करते रहिए। क्योंकि मैंने तो अपना नाम का सत्यानाश पूरी तरीके से कर दिया, अब जो बच्चा कुछ है वो ही मेरा गोलू कर रहा है। तो आप लोग दुआ दीजिए कि मेरा बेटा जो है मेरे नाम को नस्तानाबूद कर दे, बस इतना ही मैं चाहूँगी।
और मैं अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगी कि आप सब लोग जो है मेरी तरह जो है रोडों पे ना नाचे, घर पे कोठा ना खोले, अपने बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाए और हराम का रास्ते पे ना जाए। मैं तो यही दुआ करूँगी आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग मेरी फैमिली हो, मेरे दुख सुख में जो है आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। मेरा दिल इतना धड़कता था फिर भी आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। मैं एक सिंगल मदर, लेकिन मुझे सिंगल कमी कभी महसूस नहीं हुआ है, ठीक है। आप सबके पतियों को जो है ना छीन छीन के मेरे सिंगल से डबल हुई हूँ कैमरा के पीछे। तो आप लोग मेरा ऐसे साथ बनाए रहिए जितने मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे हेटर्स से वो जलते रहे। मेरा ये रूप देखिए, मेरा श्रृंगार देखिए, मेरा पैसा देखिए। मेरे पास पैसा बहुत है जो लूट के मैं लाई हूँ लोगों से। रिहाना से भी लूटी हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं लूट के जो है ना अपना भंडारा। बड़ा वाला चाबी जो है गोलू बेटा, वो बड़ा वाला चाबी कहाँ है? पैसा जो है मैंने लॉकर भर के रखा है। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मैं सिंगल मदर हूँ। बहुत स्ट्रगल करके जो है ना मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया है। तो मेरे दोनों बच्चों को जो है दुआएं दीजिए। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है अली, वो तो ड्राइविंग कर करके अपने पुर्जे जो भी है वो ढीला कर रहा है। मैं सिंगल मदर हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैंने अपने बच्चों को जो है बड़ा किया है। तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं मुझे ऐसे ही प्यार कीजिए। लाइक्स पाना हो तो मेरे पास आना, मैं ही आप लोग को लाइक करूँगी। कोई और लाइक करे या ना करे, लेकिन मैं आप लोग को बहुत लाइक करूँगी। और जो मेल्स हैं स्पेशली, उनको तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो लाइक्स पाना है तो मेरे पास आना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेल्स को लाइक करती हूँ। और मैंने इमरान को भी किटी पार्टी में बुलाया था, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है कि टुंडा बुड्ढा भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो मैंने इमरान को जो है मैंने किटी पार्टी में बुलाया था, तो वो आया नहीं। लेकिन इमरान की तरह अगर कोई मेरा जो चाहने वाला है, बॉडी वाला अगर कोई है, लाइक्स पाना है तो मेरे पास आइए, क्योंकि लाइक्स सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही दे सकती हूँ। और अगर किसी को जो है अपने पुर्जे टाइट कराने हैं, बाला वाला, स्किन चमड़ी वमड़ी, मेरी तरह गोरी खूबसूरत दिखना है, तो डॉक्टर लोला मेरी फ्रेंड है, वो आपको जो है ना उसको क्या बोलते हैं, स्टेफनी वगैरह से जो है ना वो अपना आपका पुर्जा वुर्जा ठीक भी कर सकती है। और एशियन प्रिंट जो ब्रांडेड पेंट है, उससे आपका कलर जो है वो भी गोरा कर सकता है मेरी तरह। तो अगर आपको आप मेरी तरह खूबसूरत दिखना है और लाइक्स वगैरह पाना है, तो आप मेरी तरह लोला डॉक्टर के पास जा सकते हैं अपना लोला हिला हिला के। और मेरे गोलू ने तो आज फिर से जो है रोस्टिंग वीडियो में हग दिया है, लेकिन मैंने उसको डायपर पहनाया, क्योंकि दो दिन से मैं देख रही हूँ, दो वीडियो में मैंने देखा उसने बहुत ज़्यादा हग दिया था रोस्टिंग के नाम पे, तो मैंने आज उसको डायपर पहना दिया है। तो मेरे गोलू को ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे गाली देती रहिए जैसे मुझे आप देते हो, ऐसे ही नफरत देती रहिए जैसे आप देते हो मुझे, और उसको आगे बढ़ाते रहिए। और मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरा जो गोलू इंशाल्लाह जलीलपन की और बेइज्जती की उसके कदम चूमे, बस यही दुआ है मेरी। तो आज के वीडियो में यही पहन करती, मैं बहुत खुश रहती हूँ और अपने घर में और अपने बच्चों को भी बहुत खुश रखती हूँ। मुझे सायरा सुल्तानी जो है वो किसी के बाप से नहीं डरती कैमरा के सामने, लेकिन कैमरा के पीछे मेरी जो है फटी पड़ी है, इसलिए मैं आजकल जो पागल चली हरकतें कर रही हूँ। हाँ, मुझे आपको देखने को मिलेगा, दिन का टाइम है ना, सवेरे का शुरुआत है, तो इसलिए मैं बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ। रात को आप लोगों को मैं ज़रूर मुझरा दिखाऊंगी और दो तीन मुझने वाला रिलेट जो अपलोड करूँगी। और मेरे जो हैंडसम हस्बैंड है वो अभी गए हैं, कहाँ गए हैं डैडी, कहाँ गए हैं गोलू? डैडी बाहर गए हैं, घर में मारने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो बाहर आटा मारने गए हैं। मैंने उसको मार्केट ही भगाया है आटा मारने के लिए जाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा कस्टमर आने का टाइम हो रहा है। और गोलू अभी काउंटर में बैठेगा टिकट लेके, जो आएगा गोलू पैसा लेगा और फिर बेडरूम में भेजेगा। बिस्तर गोलू ने रेडी करके रख दिया है, क्योंकि अभी मैं सवेरे इसलिए सर संवर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि घर में ही मैंने जो है अभी सेंटर खोल के रखा है, तो जिन जिन लोग आस पड़ोस को बुड्ढू को आना है वो आ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।